So, आज की जो अनबॉक्सिंग है वो मिक्स मास्टरिंग जो करते हैं उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि खास करके लाइक मैंने भी मिक्स मास्टरिंग के लिए ही लिए है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो। सो EDX Pro के जो इन ईयर मॉनिटर्स जो होते हैं वो मैंने लिए है अभी। जो लोग मिक्स मास्टरिंग करते हैं जस्ट अभी बिगनर्स है किसी भी इंडस्ट्री में, अभी जस्ट एंटर कर रहे हैं, सो उसके उनके लिए एक अच्छे मॉनिटर्स है लाइक स्टूडियो वगैरह के लिए। अभी मैं बाद में आपको आगे बताऊंगा कि क्या कैसे क्या यूज है इसका वो सब। तो सबसे पहले तो हम लोग आउटर बॉक्स देखे। सो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल दो पहले तो इधर लाइक EDX और उसकी जो ब्रांडिंग है वो है, और ये जापानीज है बाय द वे, जापानीज ब्रांड है। सो हम लोग सबसे पहले बॉक्स अनबॉक्स करें तो अब बॉक्स के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ईयर टिप्स मिलती है और लाइक मेन तो इधर है ये जो उन लोगों का एक स्पेसिफिक पाउच मिलता है जिसके अंदर हम लोग ईयरफोन्स रखते हैं। सो मैं अभी जस्ट यूज कर रहा हूँ, अभी मैं यूज कर रहा हूँ सो उसकी वजह से मैंने इसमें रखा है। बॉक्स के साथ ही आता है केस भी ईयरफोन्स रखने के लिए। सो हम लोग सबसे पहले तो ईयरफोन्स देखे, तो जो क्लोज वाले मैं सिनेमेटिक्स डालूंगा उसमें तो आप देख ही लोगे कि डिटेलिंग में ईयरफोन्स कैसे है वो। सो अभी तो मैं आपको ऊपर से दिखा था इधर से ऐसे। सो ये फुल पूरे ईयरफोन्स, तो आपको लाइक पता नहीं होगा तो ये ऐसे लाइक लगते हैं, ये जो है वो ईयर के पीछे से जाता है ऐसे टाइप से। सो लाइक इस टाइप से ऐसा वो आता है पूरा, और इधर से आप अगर लाइक आपने देखा होगा जो रैप वगैरह जो है सिंगिंग जो परफॉर्मेंस होते हैं उसमें बीट इसमें ही चलती है, और उन लोगों के लाइक जस्ट ऐसे कान से और पीछे से जाके वो जो रिसीवर होता है उसमें लगा होता है। सो बात बताऊँ तो ये वायर आप बाद में चेंज कर सकते हो, ये ईयर पीस ऐसा A few minutes later, guys, दिखाने के इसमें मेरा ईयर टिप गिर गया। तो दिखाने के इसमें मेरा ईयर टिप गिर गया नीचे। सो अभी वो मिल नहीं रहा मुझे, तो अब ढूंढता हूँ मैं बाद में। अगर आपको फ्यूचर में अगर वायर को कुछ हो गया सो आपको अगर ड्राइवर अच्छे होंगे लाइक ईयरफोन्स जो है वो अच्छे होंगे सो आप ये बाद में चेंज भी कर सकते हो। सो इधर ये ऐसे सो इधर से ऐसे लाइक पिन में ऐसे फुल एक मतलब कनेक्ट होता है ऐसी तरह से, तो एक बहुत अच्छा है लाइक कि अगर वायर को कुछ हुआ तो वायर आप रिप्लेस कर सकते हो। सो वही है क्या, और अब इसकी थोड़ी सी जो केबल है केबल भी थोड़ी ठीक ठाक ही है, मतलब ऐसे टूटेगी नहीं इजीली बट वीक है थोड़ी सी, ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा अगर प्रेशर पड़ा तो टूट सकती है। सो थोड़ी सी नाजुक केबल है, पूरी ट्रांसपेरेंट केबल है, और अंदर से जो कॉपर वायर है वो दिख रही है। ये ईयरफोन्स आप जिस भी डिवाइस में 3.5mm जैक है उसके साथ आप यूज कर सकते हो, और ये भी जो है वो गोल्डन है सो प्रीमियमनेस, तो बहुत एक यूनिक और बहुत अच्छा लुक देता है, मुझे बहुत पसंद आया ईयरफोन्स। सो इनकी हम लोग पहले तो प्राइसिंग की बात करें सो ये 1100 में आपको मिलेंगे। और एक बात जो हम लोगों के TWS होते हैं जो ब्लूटूथ जो हम लोगों को मेरे सब कुछ हाथ से गिर रहा है, सो हम लोगों के जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स होते हैं वो मतलब TWS जो होते हैं वो थोड़े से स्वेट प्रूफ होते हैं, वाटर मतलब थोड़ी सी IPX रेटिंग होती है उनकी, लाइक थोड़ा सा स्वेट अगर होगा सो वो सह लेंगे, बट इनमें लाइक स्वेट प्रूफ नहीं है, मतलब अगर ये भीग गए तो कन्फर्म खराब ही होंगे, अगर स्वेट वगैरह होगा सो उस सीन में ये खराब होने के चांसेस है क्योंकि सीधा उधर लिखा है स्वेट प्रूफ नो। तो जो कुछ भी अगर स्पेसिफिकेशन है वो मैं इधर आपके लिए लाइक पूरा स्क्रीनशॉट ही डाल दूंगा, सो आप वो पूरा देख के वीडियो पॉज करके आप पूरी जो स्पेसिफिकेशन है वो पढ़ सकते हो, और मैं ऊपर का बताऊँ सो बहुत अच्छा है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप जैसे पूरा अगर कान में डालोगे ना ईयरफोन्स जैसे, तो जैसे आप कान में ईयरफोन्स डालोगे तो वैसा पूरा कान ही कवर कर लेता है, सो उसकी वजह से जो बाहर का बेसिक जो थोड़ा बहुत आवाज आता है ना वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। ऐसा नहीं कि बाहर का कुछ सुनाई नहीं देता, मतलब ऑफ होंगे तो मतलब हमने कुछ प्ले नहीं किया होगा सो, तो
तो लाइक ऐसे नॉर्मल अगर आपने डाले होंगे तो बहुत सारा जो नॉलेज है छोटा थोड़ा थोड़ा वो सब पूरा ब्लॉक हो जाता है, और आप जब प्ले करोगे और मतलब अच्छे से पूरा कान कवर अप कर दे तो उसकी वजह से बाहर का कुछ आपको सुना ही नहीं देगा अगर आपने वॉल्यूम फुल रखा तो। अगर आप ये ले रहे लेने की सोच रहे हो सो अगर आप यूज़ करोगे तो 60% वॉल्यूम के नीचे ही रखना क्योंकि बहुत लाउड है, लॉन्ग टर्म में आपके ईयर के लिए अच्छा नहीं है वो इतना ज़्यादा वॉल्यूम। सो 60% के नीचे ही रखना जो भी आप यूज़ कर दें उसका जो ईयरफोन है वो लुक में तो मुझे बहुत अच्छे लगे। सो अगर आपका काम मिक्स मास्टरिंग या रिकॉर्डिंग रैप वगैरह अगर और यूट्यूब वीडियोस ऐसा कुछ काम जिसमें ऑडियो की बहुत इंपॉर्टेंस है उसके लिए अगर आपको ईयरफोन्स चाहिए तो और कम बजट में सो ये वाले मैं प्रेफर करूँगा ज़रूर, क्योंकि मैंने भी मेरे पर्सनल मिक्स मास्टरिंग के लिए ही लिया है, मैंने इतने दिन यूज़ किया सो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। तो आपको अगर लेने होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दे दूंगा। सो अब मिलते हैं सीधा आपको नेक्स्ट वाली कौन सी वीडियो में, तो लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।